ओके ऑल द दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं दर्शन सोनी और भी आप देख रहे हो दर्शनेक। तो चले फिर शुरू करते हैं रेस्क्यू। और इसके पीछे आप देख सकते हो बड़ा सा एक कोबरा है, ब्राउन कलर का, थोड़ा बहुत ब्लैक कलर का है। उसका वेरिएशन देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है और अच्छा है। ओके चलो इसको बाहर निकालते हैं यहाँ से। चलिए, एक स्पेक्टिकल कोबरा है, देख सकते हो साइज इसकी अच्छी है, हेल्दी भी है। और अभी आया है कोर्ट में अपनी मुद्दत भरने के लिए। जज साहब ने उनकी मुद्दत कबूल कर ली है, तो चलो फिर हम इसको यहाँ से ले चलते हैं, क्योंकि दूसरा कोई कोर्ट में अभी आ नहीं रहा है इसलिए। ये एक न्यूरोटॉक्सिक जहर इसमें होता है और इसकी एक बूंद 20 से 25 इंसानों को मारने के लिए काफ़ी है, सिर्फ एक ही बूंद। आप सोच सकते हो इसमें कितना जहर होता है। चले फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छे से आ गए, मेरी बात मान ली उसने, तुरंत ही आ गया उसके अंदर। तो बार कौन सी ना है नजीक से निकलो। अरे पाए, चलिए ओके। अच्छे से बंद कर लिया इसको और छोड़ देंगे अच्छी जगह पर, कोर्ट से बाहर, कि जहाँ पर और भी आरोप आ सके अपनी मुद्दत भरने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलो मिलते हैं रिलीज टाइम पर। ओके वेलकम बैक, अभी आ गए हम इसको रिलीज करने के लिए। आपने देखा कि वो किस तरह से कोर्ट में आया था अपनी मुद्दत को, क्या बोलते उसको, प्रेजेंट करने के लिए। चलो बहुत होगी मिमिक्री, काम पे बात कराते हैं कि ये है सांप, इसको बोलते हैं इंडियन नाग, इंडियन कोबरा, जिसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। और गुजरात में पाए जाने वाले 4 जेरे सांपों में से एक सांप है और मेरी ह्यूमन के टच में आने वाले लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ये सांप है। वो ह्यूमन की यानी कि इंसान की चपेट में और इंसान के संपर्क में बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि ये सांप जो तो होता है वो इंसान के आसपास ही रहता है और उनसे आसपास ही पला बड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पर उसको खाना पानी अच्छा मिल जाता है, इसलिए वहीं पर वो रहता है। तो कृपा करके आप देख लीजिए इसको एक बार फिर से कि वो किस तरह से दिख रहा है। और ये सबसे जहरीला सांप है, इसमें आता है न्यूरोटॉक्सिक जहर जो हमारी मांस यानी कि जो हमारी नर्व सिस्टम है उसको बंद कर उसको लकवा मार देता है। और आपको चक्कर आने लगते हैं, वॉमिट भी होती है, आप पूरा बोल भी नहीं सकते, ये इसके सब सिम्टम्स है। तो ऊपर करके इसको ध्यान रखें, और यदि जो आपको ये काट ले तो 30 मिनट के अंदर अंदर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए, क्योंकि वही आपके लिए सही है। और दूसरी बात सबसे अहम कि किसी भी अंधश्रद्धा में ना रहे, किसी भी भूए के पास या फिर तंत्र मंत्र के सहारा ना लीजिए, तुरंत ही अस्पताल चले जाइए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सांप है। मेरी आपसे विनती है कि आप इसको घर पे ट्राई ना करें, बहुत ही जोखिम भरा है, अपने नज़दीक के वन विभाग या फिर रेस्क्यू टीम को बुला लें। थैंक यू, चलो फिर इसको करते हैं रिलीज। ओके ओके, ऐसे तो वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ओके तुरंत चला गया, और हमने इसको अच्छी जगह पर छोड़ा है कि जहाँ पर इसको अच्छा खाना पानी मिल सके और उसके जो उसके लायक जो खुराक है वो भी उसको मिल सके, और इंसान से दूर कि जहाँ पर इंसान को कोई इससे खतरा ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर से मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कृपा करके आप मेरी चैनल के साथ बने रहिए, सबको दिखाते रहिए, शेयर कीजिए। जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाजू में है बेल आइकॉन, उसको दबाना ना ही भूलें, क्योंकि उसके बाद मेरा जो नया वीडियो आएगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू, फिर से मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। अब जो